मायने में साल 2020 काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है, देश के तौर पर, विश्व के तौर पर, इंडस्ट्री के तौर पर। साल 2020 में चारों तरफ से एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। उन झटकों से अब तक लोग संभले भी नहीं थे। इरफान खान और ऋषि कपूर जैसे दिग्गज अभिनेताओं को खोने के गम से इंडस्ट्री अब तक उभरी भी नहीं थी कि एक और बड़ा झटका यहां पर लग गया है। म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान का निधन हो गया है। जी हां, वाजिद खान, जिन्होंने रिसेंटली सलमान खान के गाने प्यार करो ना और भाई भाई को कंपोज किया था, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आधार पर आपको बता दें, वाजिद खान का निधन कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। उनके निधन की खबर को सलीम मर्चेंट की ओर से कंफर्म कर दिया गया है, सोनू निगम की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। वाजिद खान का इस कदर एकाएक सबके बीच से चले जाना इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। आपको बता दें, सलीम मर्चेंट, तुलसी कुमार, करणवीर बोहरा, प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा, हर्षदीप कौर, अदिति शर्मा, ये तमाम सितारे हैं जिन्होंने वाजिद खान के निधन के बाद शोक व्यक्त किया। वाजिद इस कदर इस उम्र में सबके बीच से चले जाएंगे, किसी ने सोचा तक नहीं था। हर किसी के लिए वाजिद का दुनिया से चले जाना एक बड़ा झटका है। आपको बता दें, म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा थे। सलमान खान के साथ कई गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, सलमान खान की फिल्मों के लिए गाने उन्होंने कंपोज किए हैं, और वाजिद का इस दुनिया से चले जाना हर किसी को बड़ा झटका दे रहा है। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर कोरोना वायरस की वजह से ही वाजिद का निधन हुआ है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ की ओर से हम यही कामना करते हैं कि अब ईश्वर वाजिद की आत्मा को शांति दे और इस मुश्किल वक्त से लड़ने में उनके परिवार को हिम्मत। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।